वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डीके स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने कहा था, पढ़ा था कुछ बेसिक्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 2। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि 4C1 की वैल्यू और 4C1 की वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल 4 अपॉन यानी कि फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इनटू फैक्टोरियल 1, यानी कि अपन ने एनसीआर का फॉर्मूला लिखा था फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r, ये फॉर्मूला था। यस और नो? तो यहां पे अगर मान लो मैं 4C1 लिखता हूँ तो फैक्टोरियल फोर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल वन, 4C3 है तो फैक्टोरियल 4C3 को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इनटू फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 24। देखिए 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, ये 24 होता है और इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 1 और ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 और 6 4 आ गया, आएगा नहीं आएगा। ऐसे मैंने कल आपको बताया था 5C2 क्या होता है, 5C2 क्या होता है 10 आया था, कितना आया था 10 आया था, तो 5C3 भी कितना आया था, 5C3 कितना आया था 10 आया था। कहने का मतलब इक्वल वैल्यू का बात है वो बता रहा हूँ मैं। देखिए इस 1 और 3 को ऐड करो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, अगर ये नीचे वाली वैल्यू ऐड करने के बाद n की इक्वल आती है, ये फ्रेंड होता ना तो n की इक्वल आती है वैल्यू क्या होती है, यहां पे देखो 2 + 3 को ऐड करो कितना आएगा 5 है, 2 + 3 कितना आएगा 5, दोनों में 5 है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो क्या मतलब हुआ 63 होगा वो किसके, नहीं 64 किसके इक्वल होगा 62 के होगा, 72 किसके इक्वल होगा 75 के होगा, होगा नहीं होगा। ऐसे ही 83 किसके इक्वल होगा 85 के होगा, बात को समझ रहे हो आप लोग। अगर इनको मैं ऐड करूं तो उत्तर वाली वैल्यू आती है, आती है नहीं आती है, कहने का मतलब अगर दोनों वैल्यू नीचे वाले अगर ऐड करने के बाद n के इक्वल आती है इसका मतलब वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, कब इक्वल होगा जब देखिए यहाँ पे अपना अगला कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो n c x इक्वल टू n c y, और कब होता है जब ये x प्लस y इक्वल टू क्या होता है n होता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ऊपर वाली n के वैल्यू इक्वल आ गई इसका मतलब क्या हो गया, बात को समझ रहे हो, यस और नो में कमेंट करो ये बात समझ में आ गई क्या। ओके, अब मैं बोलूं n c 0 कितना होगा, n c 0 क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r, तो मैं एक फॉर्मूला होता है ना एनसीआर का, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो वैल्यू किसकी आएगी ऑटोमेटिकली n c 0 कितना आता है 1 आता है। अगर मैं बात करूं n c n कितना होगा, n c n कितना होगा वो कैसे होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n इनटू फैक्टोरियल n, n माइनस n 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है,
ठीक है, और एन से फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी कि एन सी एम की वैल्यू भी कितनी होती है, वन होती है। एन सी एम की वैल्यू भी कितनी होती है, वन होती है। बात को समझ रहे हो? अब देखिए आगे यहाँ पर चलते हैं, यानी कि एन सी जीरो वन होता है, एन सी एन वन होता है। अगर मान लो आपके पास क्या आ जाए, एन सी बना गया, क्या आ गया, एन सी बना गया, तो क्या वैल्यू होगी उसकी बात करते हैं अपन। एन सी वन की वैल्यू, अगला कॉन्सेप्ट है, अगर अपने पास एन सी बना गया तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस वन इंटू वन होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको मैंने कल बताया था, क्या बताया था, उस पे फोकस करना आप लोग, कि अगर मान लो फैक्टोरियल 6 है तो मैं क्या 6 को बाहर निकालता था और अंदर क्या लिखता था, फैक्टोरियल 5। अगर मान लो 8 है फैक्टोरियल में तो बाहर निकालूंगा 8, अंदर क्या आएगा, 7 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो मेरा अंदर एन है तो मैं एन को बाहर निकाल सकता हूँ और इसमें से कम कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, फैक्टोरियल एन है, अगर मैं फैक्टोरियल एन में से एन को बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस वन आएगा। नीचे भी एन माइनस वन फैक्टोरियल में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एन, यानी कि एन सी वन की वैल्यू क्या होती है, एन। आपको डायरेक्ट याद करना, एन सी जीरो इज वन, एन सी एन इज वन, एन सी वन इज एन। अब देखिए कोई बच्चे क्या होते हैं, सर हमारे को फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो कोई और कोई तरीका बताओगे सर कि हम डायरेक्ट वैल्यूज निकाले इनकी? बेटा वो तरीका बता रहा हूँ कैसे निकाली जाती है डायरेक्ट वैल्यू, अपने पास वो मेथड भी है कि अपन डायरेक्ट कैसे निकाले, 5c2 5c4 5c6 जो भी एक्स वाई जेड फलाना फलाना फलाना। फेसबुक से भी है ये। हाँ अब देखो एक मिनट, तरीका बताता हूँ आपको सोल्व करने का। जैसे अपने पास फोर, जैसे मान लो आपके पास 5c2 आ गया, कल अपन ने सोल्व किया था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। अगर आप फोर में से सोल्व को 10 आई, मैं डेबिट डायरेक्ट करा रहा हूँ, डायरेक्ट करने का तरीका देखना। ऊपर अपन कम करके जाएंगे, 5 4 कितने डिजिट लिखेंगे वो बता रहा हूँ, 2 डिजिट लिखेंगे क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है। नीचे बढ़ाएंगे 1 2 1 2 ठीक है, ऊपर कम करेंगे नीचे बढ़ाएंगे, कितना आएगा, 4 2 से चला जाएगा, 10 आंसर आएगा। यानी कि 5c2 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर 5c2 की वैल्यू बात करो कितनी आ गई है, 10 आ गई है। अगला एक एग्जांपल है, मान लो आपके पास 7c3 आ गया, कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 7c5, 3 डिजिट जो आएगा क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ है। अब नीचे बढ़ाएंगे अपन, 1 2 3, ध्यान रखिए पॉइंट्स नहीं है ये मल्टीप्लाई है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो वो 6 कैंसिल हो जाएगा, 35 आ जाएगा। ओके अब देखिए आपसे पूछूंगे 8c4 क्या हुआ, तो कैसे लिखेंगे अपन, 8 7 6 4, नीचे क्या आएगा, 1 2 3 4। मैं ऊपर कब तक चल, तो 8 6 8 7 6 5 ठीक है, कहने का मतलब ऊपर कितने डिजिट लिखूंगा, नीचे जो लिखा हुआ होता है उतने डिजिट ऊपर लिखते हैं और नीचे उतना ही इंक्रीज करते हैं। 2 4 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल 7 की आंसर आएगा। क्या बात को समझ रहे हो? अगर बात को समझे हो तो आप एक रफ कॉपी के अंदर, अपनी रफ कॉपी के अंदर इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 11c6 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 11c6 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, डायरेक्ट तरीका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आगे आंसर नहीं आया, आ गया नहीं आया,
अरे अब तक तो आ जाता, कंप्यूटर की जैसे बोला जी है कैलकुलेशन 462 है, 462 गजानन को आवत सही है, सभी के 462 आ रहा है क्या? अरे बोलो तो सही हो। 462 आ रहा है, अच्छी बात है। 462 खुशी शर्मा, चेतन दाकार, गजानन कुमावत और क्लास में 500 बच्चे पढ़ रहे हो, फिर मुझे आंसर है आ गया सबका, 500 का आ गया आंसर। कितना आएगा इसका आंसर? 11, 10, 9, 8, 7, 6 आएगा कि नहीं आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो सोल्व करने का तरीका, देखिए 6 से 6 चला जाएगा, 5 से 10 चला जाएगा, 4 से 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 6 से 11 कितना आ गया? 6 से 42, 3 से 6 6, 6 को 7 से 42, 4 से 11 चला जाएगा 22, और कितना हो गया? 44 और 46 हो गया। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे चलूं। ले ले सबका हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत स्क्रीन शॉट तो इतनी जल्दी लेते, बिजली से भी तेज। ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल आती है उसमें जो इंटरनेट की स्पीड आती है उससे भी तेज लेते हो आप, मानना पड़ेगा। हाँ जी आगे चलते हैं अपन। अब देखो आपसे पूछता हूं मैं, 7C5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, कितनी होगी 7C5 की वैल्यू? 7C5 की वैल्यू आंसर आ गया होगा 21 21। मैं बिना पेन कॉपी कर देता इसके फोन, इसको बिना पेन कॉपी कर रहा हूं मैं, करो बिना पेन कॉपी। अरे बोलो करो बिना पेन कॉपी, मेरा आंसर 21 पहले आ गया था, देखना कैसे कर रहा हूं इसको। 7C को लिख सकता हूं क्या? अरे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी तो इसको भी सॉल्व करूंगा मैं, आसान ये है ना, इसको सॉल्व थोड़ी करूंगा, ये तो बड़ा है छोटा है, क्योंकि सर तो 7C5 होता है वो क्या होता है 7C2, तो ऊपर तो एक कम होगा नीचे एक बढ़ जाएगा, आंसर बढ़ जाएगा होगा मुझे रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। कि होगा? ओके बता रहे इसका आंसर क्या होगा? HC7 का आ गया आंसर, आंसर बताओ HC7 का। अरे क्या करते हो, 8 आ गया है ना, आप कैसे सॉल्व करते? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे नहीं करना है। चलो सर हो गया, 8 आंसर आएगा। अभी तो बताया था HC7 क्या होता है, एन होता है। अरे HC7 क्या होता है, एन यहाँ क्या लिखा हुआ, 8 यहाँ क्या आ रहा है, 8 आ गया ना। अरे यहाँ लड्डू आएगा ठीक है। हाँ चलो आप समझ लो बात को, पढ़ते हैं कि अपन बाय एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं तो क्या करेंगे इन लोग ना, सब समझ में आता है।
आप पढ़ाते हो हम पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं है, जैसे बायोनोमी को क्या बोलते हैं, द्विपद परमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपद परमेय। मैं आपसे बोलूं कि x plus y है की पावर 1 है, तो आप क्या लिखेंगे? x plus y लिखेंगे। अगर मान लो x plus y का होल स्क्वायर आ गया, तो क्या लिखोगे? x स्क्वायर प्लस का 2x y प्लस का y स्क्वायर लिखोगे। ओके, अगर x plus y की पावर 3 आ गया, तो क्या लिखोगे? x cube plus 3x square y plus 3x y square plus y cube लिखोगे। इतने उनचार हो गया, तो ऐसे रट लगा कोटे की जैसे पूछो मत। अगर मैंने ऐसे बोल दिया x plus y की पावर 7, आप तो सो देंगे, नहीं करोगे ना? सो नहीं कर पाओगे, इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। सोल्व तो कर लोगे, दो चार पास तो पेज भर दोगे और दो चार घंटे का आप भर दोगे, नींद ही पूरी नहीं होगी अगर ये सोल्व करने लग जाओगे। अगर मैंने ऐसे बोल दिया ये x माइनस 11 की पावर 12, अब करोगे क्या सोल्व? यहाँ लिख दिया 999, अब बोलो करो सोल्व? ठीक है, नहीं करोगे। अरे नहीं कर सकते, जब इसको सोल्व भी नहीं कर सकते, इसको सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए क्या पढ़ते हैं? बाइनोमियल। अगर ऐसा आ गया x प्लस की पावर 20 आ गया, इसको सोल्व करने के लिए क्या पढ़ते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। आपने इस पे फोकस किया कि अगर पावर 1 है तो कितने टर्म्स आ रही है, कितने पद आ रहे हैं। मैं पद को बोलता हूँ टर्म्स, टर्म्स कितने पद, कितने टर्म्स, कितने टर्म्स है? दो। पावर कितनी है यहाँ पे? टू। टर्म्स कितनी आ रही है? तीन। पावर कितनी है? तीन। टर्म्स कितनी आएगी? चार। पावर 7, टर्म्स कितनी आएगी? आएगी नहीं आएगी? ये छोटे मोटे, छोटे मोटे तो क्या एयरफोर्स एग्जाम, नेवी का एग्जाम, इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस सीरीज, कितने टर्म्स होगी? अगर मान लीजिए आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया x minus 11 की पावर 999, बताइए कितने टर्म्स आएगी इसमें? 1000। तो हो सकता है ना क्वेश्चन? बिल्कुल हो सकता है। यानी कि पावर से एक ज्यादा क्या होती है? टर्म्स आती है। पावर से एक ज्यादा क्या आती है? टर्म्स आती है। ओके ओके, तो अपन क्या करते हैं, ऐसी पावर को पढ़ने के लिए क्या पढ़ते हैं? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बताऊंगा, कितना? एक। उस फॉर्मूले से आप कितने भी फॉर्मूले बना सकते हैं। आपके सिलेबस में थोड़े से कम हो गए हैं फॉर्मूले, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट सारे करूंगा। एक फॉर्मूला याद रखना है, जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से याद करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए कैसे। अगर मान लीजिए आपके पास आ गया x plus a की होल पावर 10 का फॉर्मूला, 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 का मतलब ये मजबूत है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता ना, जो चीज डिफाइन होती है उसको कैसे लिख सकते हो? अरे इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता, कितना होता है इनफाइनाइट, इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आपके सिर में कितने बाल हैं? अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते। कोई बोलेगा, कोई बोलू मोलू बोलेगा, सर मेरे सिर में 245,317 है, तो कैसे? सर काउंट करके देख लो। अब देखिए यहाँ पे x plus a की होल पावर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद करने का तरीका, n की 0 आएगा सबसे पहले, x की पावर n आएगा, a की पावर 0 आएगा। अब n की 0 हो गया, आगे क्या आएगा? n की 1 आएगा। इसकी पावर कम होगी, x की पावर n माइनस 1 होगी, यानी कि कम होती जाएगी, इसकी पावर बढ़ती जाएगी, यानी कि a की पावर क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे आगे क्या आएगा? n की 2 आएगा, इसकी पावर और कम हो जाएगी, तो x की पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 2 हो जाएगा, और a की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि होगा? और लास्ट में जाएंगे, कहां तक जाएंगे? ये लो समाज लो, कहां तक जाएंगे? n की 0, n की 1, n की 2। कोई बताएगा मेरे को, जब मैं 1 से स्टार्ट करूं तो n तक जाता हूं, कितनी टर्म्स होगी इसमें? How many terms are in this series?
अरे बोलो तो सर, कितनी होगी? एन होगी। अगर मैंने जीरो से स्टार्ट कर दिया, आप बताओ कितनी होगी? अब कितनी टर्म्स होगी? एन प्लस वन। कितनी होगी? एन कहां से एन से करेगा तो कुछ करना ही नहीं। एन से एन से, अरे एन प्लस वन होगा ना, वन टू थ्री। एन तो यहां से यहां तक थी ना, यहां से यहां लगाए थी, और एक और ऐड कर दिया। एन प्लस वन कितना होगा? एन प्लस वन होता है, कितनी आएगी? एन प्लस वन होगी। अरे पावर में कितना है? पावर में कितना है? एन है, तो फॉर्मूले में कितनी टर्म्स आएगी? एन प्लस वन आएगी। जब जीरो से स्टार्ट होगा तो कहां तक जाएगा? एन प्लस वन हो जाएगी। यानी कि क्या कर दूंगा लास्ट में? एन सी एन, इसकी पावर जीरो हो जाएगी और इसकी पावर ए की पावर एन आ जाएगी। याद कैसे करेंगे? एक्स प्लस ए की होल पावर एन का एन सी जीरो, एक्स की पावर एन, यानी कि पहला वाला एक्स की पावर एन, इसकी जीरो होती है। अब ये बार एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, एन सी एन यहाँ पर बात करें, ए की पावर जीरो होगी, ए की पावर वन होगी, ए की पावर टू होगी, ए की पावर एन। आपके अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर आप अलग अलग तरीके से पढ़ोगे, ज्यादा दिमाग लगाओगे, आपको याद कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा पूरी जिंदगी पर यही फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? बूढ़े हो रहो तब भी ये याद रखना, दूसरा मत कर देना, ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो आ रहा है, वन है, वन आ रहा है, टू है, टू आ रहा है, एन है, सही बोल रहे हो, अमाउंट देखना, वो चीजें हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं, ठीक है? मैंने कभी बनाया, बनाने वाले को बनाया था, तो इसको अप्लाई करता हूँ। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा? एन आएगा। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा? एन आएगा। इन दोनों को ऐड करो, एन आएगा। इन दोनों को ऐड करो, एन आएगा। हर चीज बता रहा हूँ, ठीक है? यानी कि फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब किसी किसी बुक में क्या होता है, ओ सर आपने तो हमारी गलत करवा दिया, यहाँ इस एन सी जीरो की वैल्यू अगर बताई थी, कितनी बताई थी? घर बताई थी। अरे बताई थी क्या? अरे बोलो, और x की पावर n होगा, तो a की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। यानी कि इसको पूरा सोल्व करने के बाद आएगा क्या? आएगा क्या? x की पावर, तो हमारी रूप में तो हम बाकी कैसा कैसा n से n की वैल्यू भी 1 होती है, x की पावर 0 भी 1 होता है, a की पावर n भी क्या होता है? a की पावर n। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा? a की पावर n। बीच का ऐसा कैसा? कोई बोलेगा सर मेरे रूप में तो ये है, तो गमले है तेरे घर में, ये है तो मैंने इसे तो बनाया है, ठीक है? ओके, अगर मान लो यहाँ पे माइनस आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां जहां ए है वहां वहां क्या हो रहा है? माइनस आ गया, माइनस ए हो रहा है, जहां जहां ए है वहां वहां क्या हो जाएगा? माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ओके, एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपकी 8.1, उसका क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जल्दी निकालिएगा। सर वीडियो ब्लर हो रहा है, एक बार बताना बेटा वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है क्या? यस और नो में कमेंट कर दो एक बार, ताकि मैं आगे चलूं। वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? यस और नो में कमेंट कर दो। अगर नहीं आ रहा तो नो कर दो, अगर आ रहा है तो यस कर दो। ब्लर आ रहा है? वीडियो सही दिखाई नहीं दे रहा बेटा, वीडियो क्लियर नहीं है। ओके ओके, एक सेकंड। करते हैं इसका ब्लर का भी करते हैं कुछ। अब सही आ गया ना, इसलिए बता। फर्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे 8.1 का।
वो देखो क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सरसाइज दिस, 1 - 2x की पावर 5, 1 - 2x की पावर 5, इसको सोल्व करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब जानते हो, इसका प्रसार होना है, एक्सपेंड करना। देखिए ये एक्सपेंशन है इसका, इसका एक्सपेंशन क्या है, ये वाला, ठीक है। मैं इस 4 मिनट से 2-4 क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद आपको मैं नए कॉन्सेप्ट कल करवा दूंगा, है ना। क्वेश्चन तो करें, तो क्वेश्चन तो करवा ही लिया, है ना, इसलिए करवा रहा हूँ। यहाँ पे इस देखिए इस 4 मिनट से क्या करेंगे अपन, अपन जानते हैं x प्लस a की होल पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n c 0 x की पावर n, a की पावर 0 n c 1। एक सेकंड, हाँ ये हो गया n c 1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, n c 2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस अपुसोन, कितना हो जाएगा ये एन सी एन एक्स की पावर 0 ए की पावर एन। मैं अभी तो आपको फॉर्मूला याद दिलवा रहा हूँ, फिर मैं भी है ना इसको और इसको नहीं लिखूंगा, एक्स की पावर 0 को नहीं लिखूंगा और ए की पावर 0 क्यों नहीं लिखूंगा, वैल्यू कितनी होती है वो बाद में नहीं लिखेंगे, एक बार अपने को फॉर्मूला याद हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 2x की पावर 5, एन की जगह कितना आ गया 5c0, x की जगह कितना आ गया 1 की पावर n। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, 1 की पावर कुछ भी आएगी, 1 की पावर n का मतलब 5 आ जाएगा यहाँ पे, 1 की पावर 5 आएगी यहाँ पे, 1 की पावर 4 आएगी, 1 की पावर 3 आएगी, 1 की पावर 2 आएगी, 1 की पावर 1 आएगी, 1 की पावर 0 आएगी, 1 की पावर कुछ भी हो पहले कितनी होती है 1 ही होती है, तो वो आगे करेंगे तब मैं इसको नहीं लिखूंगा फिर। और ये a की पावर, a का मतलब -2x की पावर 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 5c1 हो गया, x की जगह 1 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो पावर यहाँ पे क्या आएगी 4 आएगी, देखिए 5 में से 1 कम कर दिया 4 आ गया, और a की वैल्यू क्या है -2x, और पावर में कितना आएगा, पावर में कितना आएगा, पावर में हो जाएगा यहाँ पे 4 + 1 5 होता है ना, आगे 5c2 आएगा और 1 की पावर 3 हो जाएगा, -2x की पावर 2 हो जाएगा, ऐसे 5c3 आएगा, 1 की पावर 2 आ जाएगा, -2x की पावर 3 आएगा, ऐसे 5c4 आएगा, 1 की पावर 1 आएगा, -2x की पावर 4 आएगा, 5c5 आएगा, 1 की पावर 0 हो जाएगा और -2x की पावर 5 हो जाएगा। सबके ये बात समझ में आई होगी कैसे कैसे लिखा है मैंने। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, बताओ एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, एन सी जीरो की वैल्यू 1 तो 5c0 की वैल्यू 1 होगी, कितनी होगी 1, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, एक्स की इसकी पावर 0 तो ये भी क्या होगा 1, यानी कि पूरी चीज क्या आ गई यहाँ पे 1 आ गई। प्लस 5c1 कितना होता है 5 होता है, होगा नहीं होगा, और माइनस का 2x आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 5c2 कितना होता है, सोल्व करना आपको 10 लिख दो, आप लिख सकते हो आप सोल्व करके 10 आएगा। एक से 1 + 5 - 2x + 10, और 1 की पावर कुछ भी बने रहेगा, -2 की पावर 2 है + 4x² हो जाएगा, 4x² प्लस 5c3 कितना होता है, अब आपको पता है देखो सोल्व करने का तरीका, जो 5c2 होगा वही क्या होगा 5c3 होगा, जो 5c2 होता है वही क्या होता है 5c3 होता है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 10 आएगी, -2 की पावर 3 कितना हो जाएगा -8x³ हो जाएगा। 5c4 कितना होता है देखो इधर, अरे जो 5c1 होता है वही क्या होता है 5c4 होता है, बात को समझ रहे हो, 5c1 होता है वही क्या होता है 5c4, 5c1 की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, तो 5c4 की वैल्यू भी क्या आएगी 5 आएगी, -2 की पावर 4 कितना होता है 16 और x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5c5 आपको पता है LCN की वैल्यू क्या होती है, LCN की वैल्यू अभी बताई थी मैंने क्या होती है 1 होती है, अरे बोलो तो सही हो, LCN की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे 5c5 भी कितना हो जाएगा 1, और आपको पता है कि 5c5 होगा वो किसके इक्वल होगा 5c0 के इक्वल होगा, बिकॉज 5 + 0 ऊपर वाला आ रहा है, और इसकी दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, हर चीज बता रहा हूँ हर तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 32x³ आएगा, इसको सोल्व कर ले, इसको लिख लेंगे सोल्व करके कितना आएगा यहाँ से आंसर,
तो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 10x प्लस का 40x स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, उसके बाद कितना आएगा, माइनस का 80x क्यूब, और यहाँ पे भी 80 आएगा क्या, 80x की पावर 4 माइनस का 32x की, क्या कर दिया यहाँ पे, x की पावर 5 माइनस x की पावर 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सर समझ में आ गया साहब। सबके समझ में आ गया हुआ, ये तो बहुत बढ़िया बात है, सबके समझ में आ गया। ओके ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। क्या आप लोग 5 क्वेश्चन तक कर सकते हो क्या इसके, अरे 5 तक कर लोगे क्या इसके, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला कर सकते हो? सर वीडियो वापस से ब्लर आ रहा है, बड़ा तेज आ रहा है, और क्या नहीं आ रहा, ब्लर है। एक से लेके 5 तक आपको खुद को घर पे करना है, मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है, ये छोटा सा हो, छोटा तो है ही नहीं, सारे बड़े हैं। सेकंड वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2x - x/2 5, तो फॉर्मूला ये होता है, 2x - x/5 हो जाएगा, 5 से 0 कितना आएगा, x की जगह 2x, पावर में 5 हो जाएगा। अब a की पावर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, a की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए बोलो, और लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात को समझ रहे हो, 5c1 2x^1 4 माइनस 2x/1 सोल्व करना है इसको घर पे, बात को समझ रहे हो, हाँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप घर पे करना, टाइम आउट हो गया है, टाइम आउट हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार क्लास एंड होने वाली है। ओके थैंक यू, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। फाइव तक क्वेश्चन का नाना आप सॉल्व, एक से लेके 5 तक, एक से 5 तक आपको करना है, वैसे मैं कहूंगा लेकिन आप ट्राई करना, ठीक है।